इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में आज भी ब्रिटिश रूल में हुए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इंडिया में ब्रिटिश रूल को दो पीरियड में डिवाइड किया जा सकता है, कंपनी रूल 1858 तक और उसके बाद क्राउन रूल। पहली बार 1773 में कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आई और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। लॉर्ड वार्डन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इंडियन अफेयर्स पर ब्रिटिश कंट्रोल को और स्ट्रेंथन करता है। ये एस्टैब्लिश करता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर होगा और पॉलिटिकल अफेयर्स का इंचार्ज होगा। 1833 के चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। 1853 के चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को सेपरेट किया। इसी के बाद इंडियन सिविल सर्विसेज का भी गठन किया गया 1854 में। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एम 1857 में हुए रिवोल्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को रिवैम्प करना था। इस एक्ट के बाद कंपनी का रूल इंडिया में खत्म हो गया और क्राउन का रूल शुरू हो गया। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय ऑफ इंडिया बने। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट के आने के बाद पहली बार किसी इंडियन को गवर्नर जनरल के काउंसिल में जगह मिली। इसी एक्ट के बाद वायसराय को इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर भी दिया गया। 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने इलेक्शन के प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया, इनडायरेक्ट मैनर में ही सही, साथ ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के पावर और फंक्शन को भी बढ़ाया। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को और भी स्ट्रेंथन और बड़ा किया। इसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स का इंट्रोडक्शन इसी एक्ट के द्वारा किया गया। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे प्रोविजन है, जैसे सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, डायर की लिमिटेड फ्रेंचाइज टू इंडियंस, बाइकैमरलिज्म इत्यादि। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट था, जिसके बहुत सारे प्रोविजंस को हमने चेंजेस के साथ अडॉप्ट भी किए। इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस थे, जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, प्रोविजन ऑफ फेडरल प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट, एबॉलिशमेंट ऑफ डायरेक्ट एट प्रोविजनल लेवल, इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरलिज्म इन प्रोविंसेस एटसेट्रा। 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने इंडिया को सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट लेवल पे एस्टैब्लिश की गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और स्टेट के गवर्नर सब नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रह गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सॉवरेन बॉडी मान लिया गया और कॉन्स्टिट्यूएंट और लेजिस्लेटिव पावर उसे असाइन कर दी गई।